देखिए दोस्तों, नेपाल कई सारे देशों को हरा कर ही एशिया कप में शामिल हुआ है, जिसके वजह से हम उनके काबिलियत पर सवाल नहीं उठा सकते। हर एक प्लेयर ने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए बात करते हैं किस वजह से नेपाल पाकिस्तान से हारा। सबसे पहले तो नेपाल फर्स्ट टाइम इतने बड़ा मंच पर परफॉर्म कर रहा था, उस पर भी वर्ल्ड के बेस्ट टीम पाकिस्तान से पहले ही मैच में टक्कर था, जिसके वजह से सभी खिलाड़ियों पर एक प्रेशर जरूर था, जो उनके परफॉर्मेंस में साफ दिख रहा था। दूसरी कमी दिखी बॉलिंग में। करण केसी जैसा परफेक्ट बॉलर को अपना पूरा ओवर करने का मौका ही नहीं दिया गया, तो वहीं पर संदीप लामिछाने का ओवर 40 से 50 ओवर के बीच में रखना चाहिए था। बॉलिंग स्पीड में भी तेजी करने की आवश्यकता है। तीसरा और आखिरी कमी जो सभी प्लेयर में दिखा, वो है स्ट्रेंथ और अलर्टनेस की, जिसके वजह से फील्डिंग बहुत ही खराब दिखी, जिस पर नेपाली टीम को जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आखिरी में नेपाल नया है इतने बड़े मैच खेलने में। जैसे जैसे मैच खेलने की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में नेपाली जनता को अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हार के जीतने वालों को ही बाजीगर कहा जाता है। आपके नज़र में नेपाल की टीम में ऐसी और क्या कमी देखा आपने, जिसके वजह से पाकिस्तान से वो लोग हार गए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेपाल से जुड़ी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।